प्रातः क्लास चल रहा था 8 अक्टूबर 1967 रविवार को। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम बच्चों को डबल सिरताज किसने बनाया? अभी तो कोई डबल सिरताज नहीं है ना? है कोई? फिर बनाया किसने? तो तुमको तो बनाते हैं ना, खुद नहीं बनते हैं? कौन नहीं बनते हैं खुद? है शिव सुप्रीम सोल, जो आत्माओं का बाप है, ज्योति बिंदु, बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, वो खुद नहीं बनते हैं। अच्छा, तो बाप ने जो परंपरा चलाई कि सुप्रीम सोल बाप खुद नहीं बनते हैं, तो बच्चा को वो परंपरा नहीं चलानी चाहिए? चलाता है या नहीं है? नहीं चलाता। अच्छा, तो विश्व का बादशाह बन के रहता है, डबल ताजधारी बन के रहता है? वो तो फकीरी वेश में भी में ही दिखाया जाता है, बेताज बादशाह दिखाया जाता है ना। तो बताया, बैरिस्टर खुद बनते हैं तो दूसरे को बैरिस्टर बनाते हैं, तो फिर किसने बनाया? किसने बनाया? वो खुद नहीं डबल सिरताज बनता है। सुप्रीम सोल की तो बात ही छोड़ दो। क्यों क्यों छोड़ दो? क्योंकि उसको तो शरीर है ही नहीं, अपना शरीर नहीं है। और जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको तो छूट देता है। क्या क्या छूट देता है? है कि तुम सारी बात मानो या न मानो, स्वतंत्रता पूर्वक चलो, जब तक चाहो चलो, ना चाहो ना चलो। कि किसी के ऊपर फोर्स डालता है? डालता है? कोई के ऊपर फोर्स नहीं डालता है। तो आता किस लिए है? आता है राजयोग सिखाने के लिए, गीता ज्ञान के द्वारा राजयोग सिखाता है। किस लिए सिखाता है? कि तुम बच्चे स्वाधीन बनो, किसी के अधीन अधीन न बनो। दुनिया में तो राजाएं ही स्वाधीन होते हैं। ऐसे दुनिया में ऐसे ऐसे अनेक राजाएं हुए जिन्होंने अपनी खूब मनमानी की है, की या नहीं की? हाँ, मनमानी की। तो क्या कहेंगे उनको? स्वाधीन हुए ना, स्वाधीन है तो किसी की और की बात मानेंगे? नहीं मानते। तो मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, मैं खुद नहीं बनता हूं। ठीक है ना बच्चे? जो भी है और जो जैसा है वो दूसरों को भी वैसा ही बनाएगा। कैसा बनाएगा? है जो भी है और जैसा भी है, कैसा भी है, है दूसरे को बनाएगा। तो ये बनाना करना, बनाना और बिगाड़ना, ये शिव बाप करते हैं क्या? बनाते बिगाड़ते हैं? नहीं। तो ये सृष्टि बनी बनाई है कि बनती बिगड़ती है? बनती है
और बिगड़ती भी है, तो फिर बनाता और बिगाड़ता कौन है? अरे कोई तो होगा। शिव बाप तो अकरता है, न बनाता है न बिगाड़ता है, है? ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। हा, ब्रह्मा ने कहां बनाई सृष्टि? सृष्टि तो शिव बाप आते हैं तो नई दुनिया बनाने के लिए आते हैं, है? तो ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सृष्टि बनाई, और ब्राह्मणों की दुनिया को नई दुनिया कहेंगे या पुरानी दुनिया ही कहेंगे? क्या है, है? जिन्हें ब्राह्मणों को दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जन्म मिलता है, वो ब्राह्मण सब भंगार हुए या ऊंचे थे, ऊंची कुरी के हुए? हा, नंबरवार कुरियों के ब्राह्मण हुए ना, हा? तो ये थोड़े ही कहेंगे कि उन्होंने नई सृष्टि बनाई। तो किसने बनाई? जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। तो क्या बनाया, क्या बनाया? निराकार बना और निराकार बनाया। किसको? सारी सृष्टि को या कुछ को बनाया, कुछ को नहीं बनाया है? सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं देह धारण करने वाली, उनको सबको क्या बनाया है? आत्मिक स्टेज में स्थित कराया या नहीं कराया? कराया, और फोर्स से कराया, हाँ? या प्यार से कराया? जबरियन कराया, इच्छा पूर्वक कराया, या इच्छा नहीं थी तो भी कराया? प्यार से कराया। अच्छा, सारी दुनिया प्यार से मान जाएगी? है, ये मक्खी, ये मच्छर, ये दैत्य, ये राक्षस, ये प्यार से मानेंगे? मानेंगे, हाँ। और इन राक्षसों की दुनिया में जो देव आत्माएं उतरती हैं, जो इन राक्षसों से पूरी प्रभावित हो जाती हैं, है? प्रभावित होती हैं कि नहीं? अरे प्रभावित होती हैं कि नहीं? हाँ होती हैं। तो प्रभावित हो जाती हैं, तो फिर जिससे प्रभावित हो जाता है वो जैसे चलाता है वैसे ही चलता है, चलता है कि नहीं? हाँ वैसे ही चलता है, उन्हीं को बड़ा ऊंचा मानता है। तो बाप कहते हैं, मैं तुमको आप समान ऐसी आत्मा बनाता हूं जो किसी से प्रभावित न हो। तो कितनों को बनाता है, कितनों को बनाता है जो किसी से प्रभावित न हो? है, आठ को बनाता है। अच्छा, पहले खुद नहीं बनेगा, 4.5 लाख को बनाता है। वाह, ये तो एकदम अंतिम स्टेज में पहुंच जाता है। है, कितनों को बनाता है? हा, पहले अपने को, एक को बनाता है। क्या बनाता है? के है कि मैं सारी दुनिया को क्या कंट्रोल करूं, लेकिन मेरे को कोई कंट्रोल इस साकार दुनिया में कोई साकारी न कर सके, तो इसको कहेंगे राजाई। शिव राजाई करता है, है? करता है, वो नहीं करता। तो जो बनेगा स्वाधीन, जो दूसरों को बनाएगा स्वाधीन, स्वमाने स्वमाने आत्मा, तो पहले अपन को आत्मिक स्थिति में सदाकाल स्थिर करने की बात हुई। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो, तो तुमको डबल सिरताज होना चाहिए ना,
चाहिए है नहीं है अभी, चाहिए कि है, होना चाहिए अभी है नहीं, तो तुमको होना चाहिए किस लिए, जो तुमको बैठ करके संवारे। क्या संवारे, क्या होना चाहिए, तुमको संवारे तो तुम्हारा योग उनसे लगे कि बरोबर ये डबल सितार अभी प्रिंस तो नहीं बनाएगा। क्या अभी माने इस संगम युग में प्रिंस तो नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, नर से सीधा डायरेक्ट नारायण ही बनाएगा या प्रिंस बनाएगा, नारायण ही बनाएगा, नारायण बनाएगा। तो नारायण का अर्थ क्या हुआ है, ज्ञान जल में रहने वाला, तो पहले खुद बने, कैसा बने, लगातार मनन चिंतन मंथन में रहने वाली, ज्ञान जल में सराबोर होकर रहने वाली आत्मा बने, फिर दूसरों को बने, बनाएगा तो फिर कोई महाराजा बनाएगा, कोई तो बनाएगा ना, कोई तो पहले बनाएगा, कौन बनाएगा, जो पहले खुद बनेगा तो दूसरों को बनाएगा। तो ऐसे है ना बच्चे, जो बड़े होते हैं वो बनाते हैं, बनाने वाले बड़े होंगे या छोटे होंगे, बड़े ही होंगे ना, बड़े होंगे तो बनाते हैं। तो बैरिस्टर कोई छोटे तो नहीं होते, सर्जन कोई छोटे बच्चे तो नहीं होते हैं। तो जो होते हैं बड़े वो ऐसा आप समान बनाते हैं। और शिव बाबा आए क्या है, क्या इच्छा लेके आए कि सारी दुनिया क्या बने, क्या बने है, नर है, सारी दुनिया नर से क्या बने, नारायण जैसे देवता बने। तो उन देवताओं में कोई बड़ा देवता होगा वो ही तो बनाएगा, तो उसका नाम क्या दे दिया, उसका नाम दे दिया देवदेव महादेव। और मैं कोई देवता हूं क्या, शिव देवता है या देवताओं को पढ़ाई पढ़ाने वाला है, क्या है, पढ़ाई पढ़ाने वाला है या खुद देवता है, पढ़ाई पढ़ा करके है देवता बनाने की शिफ्ट सिखाता है। तो बताया ये सन्यासी जो है ना, संपूर्ण न्यासी, संपूर्ण त्याग समझते हैं कि हमने संपूर्ण त्याग कर दिया, तो तुमको कोशिश करते हैं सन्यासी बनाने के लिए। और फिर वो क्या करेंगे, सन्यासी ही बनाएंगे ना, वो सन्यासी तो तुम सब बनते नहीं हो, कौन से सन्यासी, जो वो सन्यासी बनाते हैं घर घाट छोड़ने वाला, वो तुम बच्चे तो बनते नहीं, तुम बच्चे बने, कितने बच्चे नहीं बनते हो, तुम सब बच्चे नहीं बनते हो, कितने बच्चे जो है, कितने बच्चे नहीं बनते हो सन्यासी, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के रहते हो है, क्या 9 लाख, अच्छा 9 लाख सन्यासी नहीं बनते हैं, अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी सन्यासी बनते हैं कि नहीं, फौरन बदल देगा, बदलू कहां, कभी कुछ लिखेगा कभी कुछ लिखेगा, हा एकदम आधे पा गया। हा बताया कि रुद्र ज्ञानी यज्ञ रचता हूं, तो रुद्र के बच्चे रुद्र ही होंगे ना, रुद्राक्ष की माला बनती है ना यादगार, तो जो रौद्र रूप धारण करने वाले बच्चे हैं प्रैक्टिकल में, तो तुम बच्चे प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो, कैसे पक्के, कभी सन्यासी घरघाट छोड़ने वाले
नहीं बनते हो, तुम तो पक्के गृहस्थी रहते हो। तुम सब तो तुम कोई फॉलोअर थोड़े ही बने सन्यासी का। तुमने माता पिता को माना या नहीं माना? हा तो माता पिता को मानते हैं तो कहेंगे प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, और नहीं मानते तो जरूर कच्चे। तो फॉलोअर तो रंग हुआ ना, कहना तुमको तुम सन्यासियों के फॉलोअर हुए क्या? नहीं हुए। कोई सन्यासी है कैसे? गेरू कपड़े वाला, कोई काले कपड़े वाला, कोई पीले कपड़े वाला, और कोई सफेद नीले कपड़े वाला, जो जो सिखों में होते हैं कैसे होते हैं नीले कपड़े वाले। तो वो कहते हैं तुम किसका फॉलोअर हो है? तो तुम कहेंगे है, या कोई कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कि भाई हम शिवानंद के फॉलोअर हैं। किसे किसके फॉलोअर? हा शिवानंद। किस बात में आनंद? अरे जिस बात में आनंद है, जैसा नाम वैसा ही उनका काम। क्या नाम? शिव। तो किस बात में आनंद लेंगे? अरे सबका कल्याण हो, सभी आत्माओं को कौन सी स्टेज में स्थिर कराते हैं के लिए इच्छा रख के आते हैं है? कि सब मैं कल्याणकारी, तो सब कल्याणकारी, तो सबको आत्मा बना के ले जाऊंगा परमधाम में। जब ले जाऊंगा है तो फिर वहां जो भी आत्माएं वहां से आएंगी सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो कल्याण की भावना लेके आएंगी, या उस समय किसी का कल्याण की भावना होगी उनके अंदर है? कल्याण की भावना। हाँ। तो पर वो भक्ति मार्ग में जो शिवानंद है वो तो सन्यासी है, है? वो तो गेरू कपड़ा पहनता है, है? मत्था मुड़ाते हैं। मत्था मुड़ाते हैं माने? मत्था मुड़ाने का क्या मतलब है? मत्था मुड़ाने का क्या मतलब? मत्था मुड़ाने का मतलब है कि वो जो घर से घर गया, घर बाट का त्याग किया ना, तो उनका माया ने मत्था पहले ही मुड़ लिया, या कोई बाद में मुड़ाने की बात है? पहले ही माथा उनका मत्था मोड़ लेती है। क्या क्या मत्था मोड़ लेती? मत्थे में क्या होता है? मत्थे में मन बुद्धि रूपी आत्मा होती है, तो उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा पहले ही खलास। उनको बुद्धि में नहीं आता है कि मन के संकल्पों को जब तक कंट्रोल नहीं किया है, मन के संकल्पों का त्याग नहीं किया, तो फिर सन्यासी कहां हुए? मन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो इंद्रियों को भी कंट्रोल में नहीं रहने देगा, और इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो फिर क्या, वो घर घाट छोड़ने से काम चल जाएगा? चलो जंगल में चले जाओ है, तो जंगल में भी चले जाएंगे तो भी वहां जो वृत्ति है अंदर है वो खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, तो तुम ये करते हो, मत्था मुड़ाते हो है? मत्था मुड़ाते हो माना तुम्हारी मन बुद्धि जो है वो खलास करते हो। तुम अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हो तो मन बुद्धि की पावर बढ़ेगी या घटेगी है? सूक्ष्म अपने को समझेंगे तो जितना जितना सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे तो तुम्हारी मन बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी या भैंस बुद्धि बनेगी? क्या बनेगी? हाँ श्रेष्ठ बनेगी। तो बताओ तुम क्या उन सन्यासियों को फॉलो करते हो है? तुम कहेंगे भाई हम नहीं करते हैं।
हम नहीं करते हैं। अच्छा तो तुम तो नहीं कहेंगे कि हम उनके फॉलोअर हैं, है? और वो जो चेले होते हैं सन्यासियों के, गेरू कपड़े पहनने वाले या काले या नीले पहनने वाले, वो क्या कहेंगे? उनसे पूछेंगे तुम किसको फॉलो करते हो, तो क्या कहेंगे? है है, तुम फॉलोअर अपन को क्यों कहते हो? है क्यों कहते हो अपन को? ये तो रंग बात हो गई, जो तुम अपन को फॉलोअर कहते हो। क्यों? वो तो घर घाट छोड़ दिया और तुम गृहस्थी घर गृहस्थ में रहे पड़े हो, कहते हो हम फॉलोअर हैं। तो फॉलोअर हुए क्या? अरे जिसको फॉलो करते हो उसने क्या किया? वो घर गृहस्थी वो बीवी बाल बच्चे छोड़ दिए, तो तुमने छोड़ दिए क्या? छोड़ दिए? जो गृहस्थी अपन को फॉलो करते हैं, कहते हैं कि हम उनके फॉलोअर हैं, तो ये तो फॉलोअर नहीं। तो वो क्यों तुमको समझते हैं कि तुम फॉलोअर हो हमारे? वो सन्यासी तो समझते हैं कि तुम हमारे फॉलोअर हो, और तुम फॉलो तो उनको करते नहीं, गेरू अस्त्र है पहनते नहीं, कफनी पहनते नहीं, लंगोटी पहनते नहीं। अच्छा तो फॉलोअर किसको कहते हैं? है जट ये कपड़ा उतार करके फिर कफनी पहन ली है तो उनको कहते हैं फॉलोअर, है? तो उसको कहेंगे हाँ ये फॉलोअर है इनका, है? कब कहेंगे फॉलोअर? अरे जैसे वो करते हैं वैसे तुम भी करो तो फॉलोअर है। तुम कपड़ा तो उतारते नहीं हो, जो घर गृहस्थ में कपड़े पहनते हैं रंग बिरंगे वो तो तुम उतारते नहीं हो, वो ही कपड़े पहनते हो। न तुमने गेरुआ पकड़ा पहना और न तुमने नीला पीला पहना, तो तुम तो गृहस्थी ही बन करके रहते हो ना गृहस्थ में, है? तुम तो विकार में जाते हो ना, है? और उन्होंने तो वो बीवी बाल बच्चे छोड़ दिए, फिर तुम उनको फॉलो कैसे करते हो? है शिवानंद को या कोई को भी कैसे फॉलो करते हो? तो देखो बच्चे अनेक गुरु है ना, तो गुरु का काम है सदगति करना, गुरु किया ही जाता है सदगति के लिए। और गुरु कहते हैं फलाने को याद करो, तो गुरु क्या करते हैं जब वो कहते हैं फलाने को याद करो? किसको फलाने को? या तो कहेंगे हमारे गुरु जी को याद करो, हम भी गुरु जी को याद करते थे। तो गुरु तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि सदगति तो कोई करते नहीं है। कहते हैं फलाने को याद करो, तो वो गुरु हो गया। अगर कोई गुरु कहे कि फलाने को याद करो, तो कोई को भी याद करो, तो वो खुद तो गुरु नहीं हुआ ना, है? नहीं, वो खुद रास्ता बतावे है तो कहेंगे, तो बरोबर फिर उनको साक्षात्कार करावे, है? तो बरोबर तुम मुक्ति धाम में पहुंच जाएगा। साक्षात्कार कराए कहे का मुक्ति धाम का प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी। 8-10-67 के प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो मुक्ति धाम में भी तुम पहुंचने का भी तो युक्ति चाहिए ना तुमको, बरोबर युक्ति चाहिए। देखो
अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तुमको क्या, कि तुम कहां के रहने वाले हो, तुम मुक्ति धाम के रहने वाले हो। कौन से धाम? मुक्ति धाम। धाम कैसा? घर हुआ ना। किस घर में रहने वाले हैं? जहां सभी आत्माएं मुक्त रहती हैं या बंधन में रहती हैं? सभी आत्माएं मुक्त रहती है। मुक्ति धाम के रहने वाले, ये तो तुमको मालूम हो गया, तुम्हारा अपना घर है मुक्ति धाम। और मुक्ति कहा जाता है निर्वाण धाम को, जहां वाणी चलाने का भी कोई गम न रहे। वो कब होगा? जो वाणी चलाने की दरकार ही न रहे तो वो कब होगा? है है, अरे होगा या नहीं होगा तो कब होगा? कर्मातीत अवस्था बनेगी, माने कर्म इंद्रियों से कर्म करने से अतीत हो जाए, ज्ञान इंद्रियों से नहीं है। जब मन आत्म के स्थिति में स्थिर करेंगे तो निर्वाण धाम वासी बनेंगे। अच्छा, निर्वाण धाम वाणी चलाने की दरकार न रहे, इसका मतलब है क्या? कि तुम्हारे अंदर वो वशीकरण की पावर आ गई मन बुद्धि में, कि बैठे बैठे मुख भी न चलाओ, क्या कुछ बोलो भी नहीं है, और बिना बोले ही काम संपन्न हो जाए, तो उसको कहेंगे निर्वाण धाम वासी है। हाँ, तो उसको मूल वतन कहो है, ऐसी बीज रूप स्टेज कहो जहां तुम निसंकल्पी बीज रूप स्टेज में अनुभव करो। अंग्रेजी में कहते हैं उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। अरे यहां तो इस दुनिया में कॉर्पोरियल वर्ल्ड में हो, इनकॉर्पोरियल माना ही ये सोल, और कॉर्पोरियल माने ये बॉडी है। तो बॉडी को कहा जाता है बॉडी, और सोल को तो सोल ही कहेंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए कि अनुकूल हुए? अभी कौन किसके अंडर में है? बॉडी के अंडर में सोल है या सोल के अंडर में बॉडी है? आत्मा देह के कंट्रोल में, साकार के कंट्रोल में है निराकार आत्मा, या निराकार के कंट्रोल में है? हाँ, तो उनको बॉडी तो नहीं कहेंगे, आत्मा को, वो तो अलग चीज हुई ना। हाँ, वो अलग चीज है बॉडी, और आत्मा अलग चीज है। तो अभी दोनों की सिट्टा जोरी है कि नहीं है? अरे दोनों मिले जुले हैं कि नहीं? हाँ, दोनों मिले जुले घर के गुइया गुइया हैं, दोस्त हैं, दोस्ती करके रहेंगे। तो फिर वाणी से परे जावेंगे? जावेंगे? फिर तो नहीं जाएंगे। अभी ये सोल जो है वो तो यहां पांच तत्वों का बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? पांच तत्वों से प्रभावित होकर बना हुआ है या बिना प्रभावित हुए? प्रभावित हो गया है। हाँ, प्रभावित हो गया। तो ऐसी कोई आत्मा है इस सृष्टि पर जो पांच तत्वों से प्रभावित भी न हो और पार्ट बजाती रहे है? नाम बताओ। ऐसे ही सारे बाजियां करते रहते, पता नहीं किससे सीख लिया
शिव एक ही आत्मा है, अरे एक है आत्मा, अकेले। अब अकेले से नई दुनिया बनेगी क्या? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको भी क्या बनाते हैं? उसको भी आप समान निराकारी बनाते हैं, निर्विकारी बनाते हैं, निरहंकारी बनाते हैं। तो आत्मा हुई ना, है? हुई या नहीं हुई? आत्मा हुई। तो जो आत्मा होगी तो रोशनी का भंडार हुई या नहीं हुई? रोशनी का भंडार हुई। पवित्रता का भंडार हुई या नहीं हुई? हुई। तो कहेंगे, फिर ये कहेंगे कि वो पांच तत्व का बना हुआ है, हैं? नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं है, जिस मुकर्रर रथ में, मैं उसको क्या बना देता हूं? परम धाम बना देता हूं, है? तुरिया तत्व बना देता हूं। तुरिया तत्व बने जैसे ब्रह्मलोक छठा तत्व है ना, ब्रह्म तत्व, तो ऐसे तुरिया तत्व बना देता हूं कि पांच तत्वों से मिलता जुलता है। पांच तत्वों से मिलता जुलता नहीं है, वहां कौन रहेंगी फिर? उस परम ब्रह्म में फिर कौन रहेगा? आत्माएं ही रहेंगे। तो समुद्र है, ये समुद्र का तो अंत ही कोई नहीं पा सकते हैं, है? अच्छा, और भी कोई चीज है जिसका अंत नहीं पा सकते हैं? क्या है? समुद्र का अंत नहीं पा सकते हैं स्थूल चीजों में, और कोई स्थूल चीज ऐसी है जिसका अंत नहीं पा सकते हैं? अरे इतनी देर लगती। हाँ, आकाश का कोई अंत नहीं पाया आज तक। आकाश का अंत सूर्य तो आग का गोला है, वो तो अभी बता दिया ना, है? वो जो सूर्य है वो तो ज्ञान सूर्य एक ही शिव है ओरिजिनली, है कि नहीं? हा, वो ज्ञान सूर्य तक तो ना समंदर की पहुंचे हैं, है और ना पांच तत्वों में से किसी की पहुंच नहीं। हाँ, वो स्वयं कनेक्शन जोड़ता है। क्या पांच तत्वों से कनेक्शन जोड़ता है कि नहीं? जोड़ता है। तो ऐसे ही वो जड़ तत्व है सूर्य, और शिव है चैतन्य तत्व, है कि नहीं? तो जो चैतन्य तत्व है वो इस सृष्टि पर आता है, तो जो समंदर है सूर्य की रोशनी सबसे जास्ती कौन सा तत्व ग्रहण करता है? है कौन सा तत्व है जो सूर्य की रोशनी सबसे जास्ती ग्रहण करता है, और उसमें इतनी पावर आ जाती है कि सारी दुनिया का संहार कर सकता है? हाँ, समंदर। तो बताया, समंदर का भी अंत नहीं है और आकाश का भी अंत नहीं है, तो दोनों का कोई अंत नहीं पा सकते हैं। बाप देखो बैठ करके तुमको अपना अंत दे देते हैं, है? क्या अंत दे देते हैं, है? जब तुमको अपना अंत दे देते हैं तो तुम कहां भी जा सकते हो, है? समुद्र के जो दुनिया में कहते हैं समुद्र की किसी ने थाह नहीं पाई, तो तुम समुद्र में जा सकते हो कि नहीं? फिर संपूर्ण आत्मा बनेंगे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी मेरे समान बनेंगे, तो समुद्र की तह तक तुम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? है? पहुंचेंगे। तो तुम कहां भी जा सकते हो, कहां भी जा सकते हो माने
कहां भी माने, अरे सूरज चांद सितारों से परे कोई चीज है परम धाम, तो तुम वहां तक जा सकते हो। सूरज चांद सितारे और आकाश और समंदर तो चीज ही क्या हुई। तो आत्मा ये समंदर से, धरती से, तारों से, उनसे, इनसे, सबसे पार चली जाती है। तो देखो ये कितना वंडरफुल रॉकेट है, क्या जो वैज्ञानिकों का बनाया हुआ रॉकेट है वो तो इस आकाश से पार जा ही नहीं सकता। जा सकता है? नहीं जा सकता। और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा तो ये पांच तत्वों की जो दुनिया है, सूरज चांद सितारों की दुनिया, इस सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार चली जाती है। इतना ऊंचा रॉकेट जाएगा, कभी भी कोई भी स्टार्स और चंद्रमा या सूर्य के पार एकदम दूर चला जावे है, सूक्ष्म वतन से भी ठीक दूर चला जावे, ठीक है ना, तो ऐसे कौन ले जा सकते हैं है? कोई ले जा सकते हैं या नहीं बताओ, कौन ले जा सकते हैं? शंकर ले जा सकते हैं, उनमें खुद मिक्सचरिटी भरी हुई पड़ी है, है? हाँ? शिव ले जा सकते हैं। अच्छा, तो शिव जहां रहते हैं वहां तुमको ले जाएंगे, तुम वहां जाना चाहते हो है? अरे जहां शिव रहते हैं है, कहां रहते हैं? हाँ, कहां? ये ऊपर नीचे तो कुछ समझ में नहीं आता, छत में रहते हैं, कहां? छत की तरफ इशारा कर देते है। बताया, शिव रहते हैं परम धाम में। जिस परम धाम में रहते हैं शिव, सुप्रीम सोल, जहां से आते हैं, वहां सामान्य आत्माएं भी रहती हैं कि विशेष आत्माएं भी रहती हैं? वहां सामान्य आत्माएं रहती हैं। कैसी आत्माएं? जो नीचे उतरने की आदि तो हैं, लेकिन ऊपर उतरने की आदि, ऊपर चढ़ने की आदि नहीं है। कौन सी आत्माएं? जो अनराइटियस आत्माएं हैं, वो तो शिव के साथ जाएंगी, क्योंकि परिवार होता है ना, परिवार का बाप होता है। जो बच्चे अनराइटियस होते हैं, बाप का धंधा कारोबार नहीं संभालते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, धन संपत्ति प्रॉपर्टी बर्बाद करते हैं, तो बाप उनको अपने घर में रखेगा या दुकान में रखेगा? दुकान में रखेगा तो सारी दुकान चौपट कर देगा। तो ऐसे बच्चों को अपने घर में रखते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। और तुम बच्चे जो दुकान संभालते हो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दुकान संभालने वाली आत्माओं का ग्रुप कौन सा है? जो शिव की सृष्टि रूपी दुकान चलाने वाले बच्चे, सबसे ऊंचे ते ऊंचे पावरफुल बच्चे। कहेंगी इस सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा है, सृष्टि रूपी वृक्ष है ना, इस वृक्ष की बीज रूप आत्मा, जड़ नहीं, आधार मुहूर्त नहीं, जिन जड़ों के ऊपर सारा वृक्ष टिका रहता है वो भी नहीं। क्या सारा तना किसके ऊपर टिका रहता है? मोटा तना निकलता है ना पहले, किसके ऊपर टिका रहता है? हाँ, जड़ों के ऊपर टिका रहता है। तो जड़ें भी नहीं, तना भी नहीं, और दाई ओर की बाई ओर की डालियां भी नहीं। तुम कहां रहते हो? तुम रहते हो
ऐसे तने में जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही तना जाता है सीधा ऊपर। तो तुम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा ऊंची स्टेज की ऊंची नजर की आदमी हो, मनुष्यात्मा हो, या तुम्हारी नीची नजर जाती है? ऊंची नजर जाती है तुम्हारी ऊपर की ओर या नीचे की ओर? ऊंची जाते हो। तो बाप राय देते हैं ना, तुम कैसे कैसे ऊंचते ऊंचे जा सकते हो। अभी तुम आत्मा पवित्र बन जाती हो तो ऊंचते ऊंचे जाती हो, और पतित तो हो तो नीचे जाती हो। मन भी नीचे जाता है, बुद्धि भी नीचे जाती है, ज्ञान इंद्रियां भी नीचे जाती है, कर्म इंद्रियां भी नीचे जाती है, यहां तक के सारी देह बुढ़ापे की तरफ चली जाती है। तो बुढ़ा नीचे जाता है, झुकता है, घिसता है कि नहीं? हाँ, घिस जाता है सारा शरीर, कमर झुक जाती है। तो पवित्र बनते हो तो ऊपर की ओर जाते हो, अपवित्र बनते हो तो नीचे की ओर जाते हो। अभी तो तुम आत्मा उड़ ही नहीं सकती हो, अभी नहीं उड़ सकती हो। कभी कब की बात बताई? अभी उड़ सकती हो या नहीं उड़ सकती हो? है 67 की बात बताई। अच्छा, अभी उड़ती हो? अभी तो बहुत उड़ती हो, तुम आत्मा है, है? कहां कहां जा, बुद्धि कहां धरी रहती है? घड़ी घड़ी कहां घुस जाती है बुद्धि? घड़ी घड़ी सो तो बताओ, है? सो नहीं बताओगे? नीचे घुस जाती है कि ऊपर? गड्ढे में जाती है कि ऊपर जाती है? पहाड़ के ऊपर, चोटी पर, एवरेस्ट चोटी पर है। अभी तो नहीं उड़ सकती। जब पवित्र बन जाओगी तब क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि ऊपर ही जाएगी। बहुत इतनी छोटी आत्मा जब बनोगी, कितनी छोटी है? अरे ये जो रॉकेट पहुंचाते हैं ना, मंगल ग्रह पे जाते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं, जाने कहां कहां छोड़ते हैं, वो तो बड़ा होता है, और तुम्हारा रॉकेट आत्मा, ये तो बहुत हल्का फुल्का, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा रॉकेट है। इसको तो यही कहेंगे कि हाँ ये रूहानी रॉकेट है कि जिस्मानी है? जिस्मानी लोगों ने बनाया है या रूहानी? रूह बाप आकर के बनाते हैं? बनाते तो नहीं है, होती तो सदा काल है, लेकिन तुम अपन को भूल जाते हो, भूल जाते हो, जैसे कि है ही नहीं, है कि नहीं? भूल गए तो नहीं है। तो ये देखो कितना जब पवित्र बन जाते हैं ना, है फट सूरज चांद सितारों सूक्ष्म वतन से भी मूल वतन में चले जाते हैं। मूल वतन माने है, मूल कहां होता है? अरे मूल से तो शुरुआत होती है ना। हा, तो अपने घर चले जाते हो। तो पहली पहली मूल कौन सी हुई है? पहली पहली मूल किसे कहेंगे जहां तुम जाते हो? है बीज, भीग गए भाई ये तो बीज हो गए। हा, बीज नहीं है, बीज। क्या लिखो? बीज। हाँ, अभी ठीक लिखा। अभी बाबा कहेंगे ये हमारा ये जो है ना बच्चा, ये क्या हो गया है? भारतवासी पक्का हो गया कि दक्षिण भारतवासी हो गया? दक्षिण भारत को कहेंगे भारत का विदेश। तो विदेशी हुआ अब या स्वदेशी हो गया? अब तो स्वदेशी हो गया, क्योंकि लिखना भी सीख गया है,
क्या लिखना चाहिए, कैसा लिखना है। बाप हिंदी बोलता है ना, तो बच्चा भी, अरे मातृभाषा भाषी बच्चे होते कि नहीं, माता की जो भाषा माँ बाप की वो बच्चों की भाषा, तो फिर अब पक्के पक्के अभी नहीं लिखना दूसरी भाषा। हाँ तो अपने घर चले जाते हो, देखो तुम्हारा घर कौन सा है, नाम तो बताओ, तुम्हारे घर का नाम बता दिया बाप ने। हाँ परम ब्रह्म, तो देखो तुम्हारा मूल वतन वो हुआ जहां से तुम आते हो। लौकिक दुनिया में भी कहां से आते हैं, अम्मई के पेट से आते हैं ना, है आते हैं तब तो कहते हैं जन्म हुआ। तो ऐसे ही अभी ये नहीं कहेंगे तुम्हारा पक्का पक्का जन्म हो गया, आत्मा का हो गया नहीं। जब तुम्हारा पक्का पक्का परम ब्रह्म के तुम बच्चे बनेंगे है, तो कहेंगे कि हाँ तुम घर से आए। देखो घर कितना दूर है अभी तुम्हारा, दूर है कि नजदीक है, है ये परम ब्रह्म घर बहुत दूर है अभी, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार है। अच्छा तो इतना दूर घर को सूरज और चंद्रमा सितारे अभी उनके भी पार, देखो कोशिश करते हैं ना, है आज की दुनिया में भी कोशिश करते हैं हम सूरज चांद सितारों के पार चले जावे, चंद्रमा के पार जावे, वहां या कोई ये जमीन होगी है, वहां कोई रहते होंगे जो वहां जाने की कोशिश करते हैं है? वो वैज्ञानिक और उनके जो पक्के फॉलोअर है ना, चेले चपाटे, वो कहते हैं हाँ वहां जरूर रह सकेंगे, रह सकेंगे कि नहीं। वहां नहीं रह सकते, क्यों क्यों नहीं रह सकते, कारण क्योंकि ये धरणी ही है, इस धरणी के पांच रूप हैं, क्या जिन्हें अम्मा कहा जाता है, मां के पांच रूप, उनमें ऊंचे थे ऊंची अम्मा का नाम तो जान गए ना, परम ब्रह्म। हा तो ये जो परम ब्रह्म है वही एक ऐसी चीज है जिसे कहेंगे वो ज्ञान सूरी के सबसे नजदीक हो गई। क्या क्या कहेंगे, ज्ञान सूरी के सबसे नजदीक क्या हुई इस सृष्टि पर है, वो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो भी परम ब्रह्म बने तब, ये नहीं कि दुर्योधन दुशासन बाप बना रहे तब ऊंचे थे ऊंचे। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा तो है क्या, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ, अम्मा हुई कि बप्पा हुआ, बड़े से बड़ा गुरु पहले से पहला गुरु अम्मा हुई। तो वहां ये कोई जमीन होगी परम ब्रह्म में, वो परम ब्रह्म में ये जमीन होगी है, होगी, अरे अरे होगी कि नहीं होगी, जमीन माना ये जमीन, हाँ जहां पर ये जीवन है, कौन सा जीवन, देह का, देह है तभी तो जीवित कहा जाता है, और देह ही नहीं तो जीवित कहेंगे, जीव कहेंगे, प्राणी कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो कोई ये जमीन होगी, वहां भी कोई रहते होंगे, कहां जिन सूरज चांद सितारों से पार जाना चाहते हैं, वो जांच करते हैं वैज्ञानिक लोग, अभी वहां कौन रहते होंगे, सूर्य और चंद्रमा में रहते होंगे, कोई कोई नहीं रहते होंगे, क्यों, क्योंकि वो कोई तो इतने दूर है सूर्य से और कोई इतने
नजदीक है। इसलिए जो नजदीक है तो वहां बहुत गर्मी हो जाएगी और जो दूर है वहां बहुत ठंडी हो जाएगी। तो देखो समझे, ये तो बड़े है ना, कौन है ये जो स्टार्स हैं, ये जो चंद्रमा है, ये सूरज है, जिनकी ज्यादा रोशनी टिमटिमाहट दिखाई पड़ती है। कोई तो सितारे टिमटिमाहट वाले होते हैं और कोई टिमटिमाते नहीं है। जैसे चंद्रमा टिमटिमाहट वाला है या एक जैसा दिखाई पड़ता है, फुल भी हो जाएगा तो भी ऐसे ऐसे करता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोई तो सितारे हैं दूसरों से रोशनी लेने वाले और कोई कोई स्वयं ही इतनी रोशनी भर लेते हैं कि टिमटिमाते रहते हैं। तो तुम कौन से सितारे हो जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा सदा टिमटिमाते रहते हैं? और यहां पुरुषोत्तम संगम युग में भी तुम टिमटिमाएंगे, सारी षष्ठी पर चमकते रहेंगे, साथ तुम्हारी चमक को देखेंगे। तो देखो वो बहुत ऊंचे होते हैं। हाँ छोटे दिखते हैं लेकिन ऊंचे बहुत होते हैं कि कम ऊंचे होते हैं। जैसे ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा बहुत दूर दिखाई पड़ता है कि नजदीक दिखाई पड़ता है? ध्रुव तारा के क्रॉस करके उधर कोई सितारा दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि दूर से दूर हो गया। हाँ अब ये ही सितारे जो इधर के हैं रात वाले, वो उधर पहुंचेंगे है, तब तो रात हो जाएगी, वो दिन हो जाएगा, तब दिन हो जाएगा इस दुनिया में, तब दिखाई पड़ेगा, तब तो दिखाई पड़ने का सवाल ही नहीं। तो यही बताया कि बहुत ऊंचे जो सितारे हैं और वो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो देखो तुम लोग गुंडियां उड़ाते हो, गुंडियां माने पतंगे, पतंगे उड़ाते हैं। कभी तुमने गुड्डी उड़ाई है? है, है? बच्चियां उड़ाती हैं ना। हाँ कोई माइयां भी उड़ाती हैं गुड्डियां है? उड़ाई है कभी पतंग? अरे नहीं उड़ाई। अच्छा हाँ पूर्व जन्म में उड़ाई होगी, पुरुष बने होंगे तब उड़ाई होगी है। चलो इस जन्म में ना सही। हाँ उड़ाई 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 तो छोटेपन में उड़ाई होगी है। हाँ तो तुम लोगों को ये मालूम नहीं है कि गुड्डियां जब होती हैं उड़ाते हैं ना, वो वायसराय और वो बड़े बड़े आदमी भी उड़ाते हैं, वो चोटी पर जाकर के गुड्डियां उड़ाते हैं क्या। हाँ और उन गुड्डियों को एक दूसरे से काटते रहते हैं क्या, उड़ाते हैं और उनको काटते रहते हैं। तो गुड्डी इतनी बड़ी होती है, जब ऊपर में जाएगी तो छोटी देखने में आएगी या बड़ी देखने में आएगी? हाँ छोटी देखने में आएगी। हाँ अभी वो गुड्डी कितना दूर जाएगी है, थोड़ी सी रस्सी है, रस्सी लिमिटेड में ही होगी या बहुत होगी? वो गरारे में रस्सी लटका चढ़ाते हैं ना, वो लिमिट में ही होगी ना। हाँ तो थोड़ी सी रस्सी कितनी मिलती है जो दूर जाते हैं। अब ये एरोप्लेन जो बनाते हैं वैज्ञानिक लोग, ये कितना जाते हैं है? हाँ तो तुमको बाप क्या कहते हैं है? बोलते हैं तुम्हारी ये जो आत्मा है ना, वो सबसे तीखी है क्या, उन पतंगों से भी तीखी है, उन वैज्ञानिकों के क्या रॉकेट जो उड़ाते हैं उनसे भी तीखी है, सबसे तीखी है।
तो इतने सेकंड में यहां से गई और जा करके दूसरे गर्भ को धारण किया। क्या कितने सेकंड में? एक सेकंड में आत्मा शरीर से निकलती है और एक सेकंड में दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। अभी समझो कि किसका कर्म ऐसे है जो उनको लंदन में जन्म लेना है, तो बस यहां शरीर से निकलती है और चट्ट में वो जाकर के वहां पहुंचती है, विलायत में, लंदन में, समझे ना? तो सेकंड की बात हुई ना। और ये तुम्हारी आत्मा की जो मुक्ति, जीवन मुक्ति है, ये कितनी देर की है? एक सेकंड में आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति गाई हुई है, एक सेकंड में गाई हुई है, ये गाई हुई है एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। क्या सबकी है? सबकी एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति है? वो तो भक्ति मार्ग के जनक का नाम रख दिया, उसका अर्थ क्या है? बाबा तो कहते हैं भक्ति मार्ग में शास्त्रों में जितने भी नाम हैं उनके काम के आधार पर हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ जनक का? जन माने जन्म, का माने करने वाला, जो जन्म देने वाला है। किसका जन्म देने वाला है? दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है सबका जन्म देने वाला कोई है या नहीं है? मनुष्य मात्र का है, जिनको मन होता है, कोई है? मनु, अरे मनु तो शास्त्रों में लिखा है मनुवंतर ढेर सारे हुए हैं, और ढेर सारे मनुवंतर में ढेर सारे मनु हुए हैं। मनु माने मनन चिंतन करने वाले, वो तो जितने धर्म पिताएं आते हैं वो सब अपने धर्म के धर्म पिता प्रजापिता होते हैं और मनन चिंतन मंथन करते हैं कि नहीं? लेकिन वो धर्म पिताएं भी मानते हैं क्या के कोई हमसे भी पुराने थे पुराना इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हुआ है, उसको कहते हैं बाबा आदम, एडम कहते हैं ना। हाँ, तो बताया कि एक सेकंड में जिस आत्मा की मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों होती है वो हुई है। जाना कि नहीं किसकी होती है? एक सेकंड में मुक्ति भी और एक सेकंड में जीवन में आना भी है। बताओ कौन हुआ? एक सेकंड में मुक्ति है वो यादव, एक सेकंड में उसकी मुक्ति, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। माना वो मुक्ति में टिक जाए और आत्माओं की तरह वो नहीं होगा, मुक्ति में एक सेकंड में और उसी सेकंड में जीवन मुक्ति में आएगी। माने इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। तो जो गाई हुई है वो गायन फर्स्ट नंबर का चलता है या सबका चलता है? है तो एक का गायन, लेकिन वो क्या करते हैं फिर है? शास्त्रों में उन्होंने ढेरों के ढेर देवताएं दिखाए हैं, भगवान बन गए और हर मनुष्य अपने को शिवो हम कहने लगा, आत्मा सो परमात्मा, सबका गायन हो गया। तो तुम बच्चों को क्या करना है, है? जो गायन है वो किसका करना है? कौन है गायन करने योग्य? गायन पूजन याद करना है तो किसको करना है? इन ढेर के ढेर शास्त्रों में जो दिखाई दिए हैं उन सबको याद करना है, सबका गायन करना है, सबका कीर्तन करना है,
है कि एक का करना है, एक का करना है, तो उस एक को पहचाना, यही भारी मुसीबत आ गई है। पहचाना लड्डू, पहचाना उसको पहचानेंगे, तो जिसको पहचान लिया शिव सुप्रीम सोल को, जिसने पहचान लिया, तो पहचानने का मतलब क्या हुआ, उसकी थाह पाली कि नहीं पाली, उसकी थाह पाली, उसकी गहराई को जान लिया, और उसकी थाह पाली तो उसके समान बन गया कि नहीं बन गया, उसके अंदर जितना ज्ञान है अकूट ज्ञान का भंडार, वो बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, तो जान लिया। कभी कहते हैं जान लिया, अभी कहते हैं हाँ जान लिया, अभी कहते हैं नहीं जान लिया। एक बात पक्की बताओ ना, अम्मा को जान लिया कि पापा को जान लिया है? अरे किसको जान लिया, ज्यादा कौन याद आता है? दोनों को जान लिया, ये तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का हो गया है। दोनों को नहीं जाना, अभी कहता दोनों को नहीं जाना, अभी कहता था एक को जाना। कितना दल बदलू है। हाँ तो देखो, जिस एक की मुक्ति और जीवन मुक्ति गाई हुई है, हाँ, वो कहते हैं ना, एक अर्जुन को उसके रथ में आकर के भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, तो अर्जुन का एक का गायन है या सब पुरुषार्थ का, हाँ, अकूट ज्ञान का अर्जन करने वाली सभी आत्माएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंग मंच पर, कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन सभी करती हैं, या एक अर्जुन ही करता है, सब करती है, लेकिन अर्जुन का गायन क्यों है? फिर गायन एक का है, एक की मुक्ति जीवन मुक्ति गाई हुई है। हाँ, तो अव्वल होता है उसी का गायन होता है। हाँ, अव्वल नंबर पार्टधारी का गायन होता है, जैसे हीरो होता है, ड्रामा खेलते हैं ना नाटक, तो उनमें जो हीरो होगा बस उसी के गीत गाएंगे, उसी के ड्रामाबाजी खेलेंगे, उसी को याद करते हैं। तो अब परमपिता परमात्मा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, एक देते हैं कि दो देते हैं, है? देने वाले एक हैं या दो हैं? एक है। फिर परमपिता परमात्मा दो क्यों कह दिया, है? एक में ही है, एक में ही माने एक रथ में, एक शरीर में है, एक ही शरीर में, एक ही पर्सनालिटी में दोनों आत्माएं हैं। परम पिता भी है जिसका कोई पिता नहीं, और वो परम पाठधारी आत्मा भी है जिसको कहते हैं परमात्मा। तो वो परमात्मा और परम पिता दोनों का मेल है, परम पिता परमात्मा, जिनकी यादगार क्या दिखाते हैं, कुछ यादगार दिखाते हैं कि नहीं दोनों के मेल की, है? शिवलिंग यादगार दिखाते हैं, वो तो एक ही दिखा देते हैं, जैसा इधर आधा वैसा उधर आधा, इधर भी पत्थर उधर भी पत्थर, है? अर्धनारी सर वाली माता जी, या क्या दिखाते हैं, एक है परम पिता, एक है पिता, और एक है परमात्मा, वो पिता नहीं है, क्या है, परमात्मा, ऊंचते ऊंच आत्मा है, सबका गुरु है कि नहीं, है? सबका गुरु क्या, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा हुई ना। हाँ, तो बताया
इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन जब क्लियर होता है तो जीवन मुक्ति मिलती है। माना परमपिता सुप्रीम सोल शिव और जिस रथ में प्रवेश करते हैं देहधारी आत्मा में, देह में, देह क्या कहेंगे, देही में, देहधारी में, तो उस आदम में या अर्जुन में, एडम में कहेंगे, प्रवेश करने पर एक व्यक्तित्व बनता है। तो दोनों के मेल के होने से, परिपूर्ण बनने से, पुरुषार्थ जब जिसमें प्रवेश करते हैं उसका संपन्न बनता है, तब कहेंगे कि मुक्ति और जीवन मुक्ति तुमको देते। तो तुम लिखते हो अभी कि सेकंड में जीवन मुक्ति है। सेकंड में जीवन मुक्ति तुम बोर्ड पर तो लिख देते हो, है पंपलेट में लिख देते हो, सेकंड में जीवन मुक्ति जनक मिसल आकर लो, तो ये 100 साल क्यों बिना है? कहते हैं कि 100 साल में आकर के भगवान बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो नई दुनिया स्थापन करने के लिए पहले मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए ना। तो मुक्ति जीवन मुक्ति सेकंड में गाई हुई है, है और तुम लिखते हो सेकंड में जीवन मुक्ति, तो सेकंड फिर किसको कहा जाता है? उस सेकंड को कहा जाता है जिस सेकंड में बच्चा बाहर निकला कि अंदर रहा, 9 महीने अंदर रहा तो कहते हैं जन्म हुआ नहीं। सेकंड में जीवन मुक्ति उसको कहा जाता है जब बच्चा बाहर निकले, बाहर निकले माने संसार में प्रत्यक्ष हो, जो देखे इन आंखों से, जो देखे, जो इन कानों से थोड़ा भी एक शब्द भी सुने तो उसको फट से बुद्धि में बैठ जाए, उसको कहा जाता है बच्चा बाहर आया, मालिक बन गया है, या जन्म सिद्ध अधिकारी बन गया, जन्म मिला और बाप के वर्षे का अधिकारी बना, है ना बरोबर। बच्चा है या बच्ची है वो भी पता नहीं पड़ता क्या है? जब अंदर है, पैदा नहीं हुआ तो पता चलता है कि बच्चा है कि बच्ची है? नहीं, अंदर है, यंत्रों से पता चलता है, लेकिन कोई इन आंखों से देखे, कानों से सुने तो पता चलता है? चलो मां को खुदर बुदर अनुभव होती होगी पेट में, है चुर्रपुर अनुभव होती होगी, तो उसको ये पता चलता है मां को कि मेल है कि फीमेल है? नहीं पता चलता। तो वो भी पता नहीं पड़ता, भले आज करके इन लोगों को मालूम पड़ जाता है, है? इन वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे यंत्र निकाले हैं कि उनको पता चल जाता है, मालूम पड़ सकता है बच्चा है या बच्ची है। ऐसे ऐसे इनके पास ये इंस्ट्रूमेंट देखने के निकाले निकाले है ना, हाँ जान जाते हैं। तो वो तो बच्चा पैदा हुआ, बस पैदा हुआ, बाहर आया और वारिस बन गया। तो तुम बच्चों ने भी अभी बाप को जाना, जाना है? जाना जाना नहीं जाना तो मालिक भी, मालिक बन गया? मालिक भी नहीं बना। जाना बस विश्व का मालिक बन गया, इसको कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो ये बात बाप समझाते हैं, क्या क्या समझाते हैं, है के क्या बात समझाते हैं? अरे अभी तक क्या समझाई बात है? जो बाप समझाते हैं के हा
एक सेकंड में जीवन मुक्ति और मुक्ति, ये बात समझाई तो वो एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति किसी की हुई 80 साल में हुई नहीं, और समझाते रहे तो क्या समझाया, कुछ समझाया कि नहीं समझाया, और समझने वालों को समझ में आया कि नहीं आया है? अरे समझाने वाला भी फेल और समझाने वाला भी फेल और समझने वाले भी फेल 80 साल में। अरे तो बाप समझाते हैं ना, ये तो शास्त्रों में लिखा है कि बाप आकर के सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं, है? जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति दी, शास्त्रों में लिखा है ना। तो तुम ये जानते हो अभी, ये बात तो जानी कि हाँ एक सेकंड में बाप से जीवन मुक्ति मिलती है। देखो स्कूल में कोई भी बैठा है, बैरिस्टर के पास बैठा है, तो वो पढ़ करके बैरिस्टर तो बनेगा ना। दुनिया में कहीं ऐसे भी होता है बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी है, LLB पास कर लेते हैं लेकिन बनते नहीं है। वह क्या कोई जरूरी है कि सब कोई वकालत करते हैं? नहीं। तो यहां भी ऐसे ही है क्या? तुम अभी क्या करते हो? जानते तो हो क्या कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, है? पढ़ाई पढ़ रहे हैं विश्व के मालिक बने की, तो क्या सब बनेंगे? सब तो नहीं बनेंगे। तो देखो बैठ करके पढ़ता है ना, है? पढ़ता है और बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो किससे पढ़ते हैं? पढ़ते किससे हैं? अरे अभी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कि उनको पढ़ाई पढ़ाने लग पड़ते हैं? अरे जब गाल पे हाथ रख लिया तो सोचने लगे तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं कि पढ़ाई पढ़ाते हैं? हाँ बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, यही कहेंगे। अरे ओम शांति।